सर इस पॉडकास्ट का थीम है परशुराम और परशुराम की स्टोरी परशुराम जी कौन थे और आई थिंक उस, उसके पहले आप थोड़े विष्णु अवतार के बारे में समझा दीजिए सर ठीक ऑडियंस को कि, कि कितने विष्णु अवतार होते हैं और वहाँ परशुराम जी का रोल क्या था सो so, विष्णु जी के बहुत सारे अवतार हैं एक्चुअली काफ़ी लोगों को सिर्फ दस अवतार पता है उनके और दस अवतार पॉपुलर हैं बट श्रीमद् भागवत में बाईस अवतार हैं विष्णु जी के जो मेंशन है पर उसके साथ साथ ये भी मेंशन है कि इसके अलावा हज़ारों और अवतार हैं भगवान के और विष्णु जी के जो अवतार हैं वो अलग अलग कैटेगरीज़ में भी डिवाइड होते हैं एक कैटेगरी जो संपूर्ण अवतार है जैसे कृष्ण सो कृष्ण जी को स्वयं भगवान कहा गया है बिकॉज ही हैज ऑल द पोटेंसीज ऑफ लॉर्ड विष्णु और कुछ अंश अवतार हैं कुछ शक्ति वेश अवतार हैं अलग अलग कैटेगरीज़ हैं जिसमें हम अभी नहीं जाएंगे पर उनका जो पर्पज़ है विष्णु जी इज़ लाइक द मैनेजर यू नो ऑफ दिस यूनिवर्स वो प्रिजर्वर हैं इस यूनिवर्स के उनका काम है प्रोटेक्शन तो वह अलग अलग रूप में आते रहते हैं अवतरित होते रहते हैं टू सेट द बैलेंस स्ट्रेट अगर कहीं पे बुराई का पलड़ा भारी हो रहा है तो उसको वापस लेवल पे लाने के लिए विष्णु जी कोई ना कोई रूप लेके आते हैं अब जैसे अगर मतलब अगेन लॉर्ड ऑफ पीपल डोंट नो दिस ऋषभ देव जो जैन के फर्स्ट तीर्थंकर थे ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु बुद्धा को तो is an incarnation. There are other incarnations जो uh, लोगों को लगेगा मतलब, इस इनकारनेशन का क्या पर्पज था नारद मुनि hmm. नारद मुनि को हम हमेशा समझते हैं कि हाँ ये तो आग लगाते हैं hmm. या uh, चुगली करते हैं झगड़ा hmm. करवाते हैं बट ही एक्ट एज catalyst टू hmm. ट्रिगर certain इवेंट्स Mm -hmm. उनका वो पर्पज है mm -hmm. कि अगर ये चीज नहीं हुई तो इट विल टेक इयर्स फॉर दैट सिचुएशन टू अराइज बट अब नारद ने चुगली की कंस को बोला कि भाई आ, ये तुम्हारी बहन का आ, बेटा तुम्हें मारेगा और आ, जो आकाशवाणी थी उसमें था कि आठवां बेटा मारेगा नारद ने बोला कि आठवां कहाँ से शुरू से आठवां लास्ट से आठवां काउंटिंग कहाँ से कर रहे हो तुम सो दैट पुट द फ्यर ऑफ डेथ इन कंस एंड ही स्टार्टेड जो किसी पर्पज के लिए है और हर अवतार का कोई पर्पज है hmm. परशुराम जी का भी वही, वैसा ही एक पर्पज था वेरी स्पेसिफिक आपने सुना होगा कल की अवतार के बारे में कल की अवतार एक फ्यूचर अवतार है और जो कि प्रिडिक्टेड है कि वो आके इस कलयुग का नाश करेंगे जितने बुरे लोग हैं उनका नाश करेंगे और एक सत्युग की स्थापना करेंगे दोबारा तो परशुराम वाज अ कलकी फॉर अ प्रीवियस युग ओके सॉर्ट ऑफ यू नो दैट वाज हिज पर्पस क्योंकि परशुराम जिस टाइम पे थे जिस पॉलिटिकल लैंडस्केप में थे उस टाइम जो इंडिया का या वर्ल्ड का जो सिनारी um, था दैट इज नॉट वेरी डिफरेंट द वर्ल्ड वॉज रूल्ड बाई करप्टूलर्स पूरी दुनिया पे करप्ट uh, राजा थे जो अपनी पावर uh, के कारण पावर के नशे में थे एंड देवर टायरेंस देवर कमिटिंग एट्रॉसिटीज ऑन अदर पीपल और परशुराम का जो काम था उस टाइम में वो यही था कि पूरी दुनिया को इन करप्ट रूलर्स से छुटकारा दिलाना एंड दैट इज वॉट आई टाई टू ट अबाउट इन दिस बुक ऑल्सो आपने स्पेसिफिकली ये कैरेक्टर क्यों चुना पूरी बुक लिखने के लिए so, सो uh, रणवीर आपको पता होगा मेरी पहली बुक विश्वामित्र पे थी और विश्वामित्र uh, के बारे में रिसर्च करते हुए आई री वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन दी रामायण hmm. अगर विश्वामित्र uh, राम और लक्ष्मण जी को uh, जंगल में नहीं लेके जाते ताड़का से मिलाने या मारी सुबाह वध करने ये, ये राम जी की शादी से पहले है। हाँ हाँ तो विश्वामित्र वॉज द पर्सन जिन्होंने राम और लक्ष्मण को दिखाया कि तुम्हें क्या क्या सिचुएशन आगे हैंडल करनी पड़ सकती है। उनके कोच थे उनके कोच थे मैंटो थे एक तरह से क्योंकि कुल गुरु तो वशिष्ठ थे जिन्होंने उनको सारी नॉलेज दी पर ये दुनियादारी की नॉलेज कि आप पैलेस में रह रहे हैं तो आपकी लाइफ अलग है रियल सिनारियो क्या है आपके किंगडम में रहते हुए लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है तो ये जो ताड़का जैसे हमारी सुबाहू जैसे जो टेररिस्ट हैं उनसे डील आपको करना पड़ेगा फ्यूचर में तो विश्वामित्र उनको वो ट्रेनिंग देने के लिए लेके गए उनको उन्होंने डिवाइन वेपन्स का ज्ञान दिया बल अति बल मंत्र सिखाए जो कि उनके काम आए पूरा चौदह साल के वनवास में उन्होंने कितने हज़ारों डीमंज मारे दंडाकार में उसके अलावा विश्वामित्र थे जो राम और लक्ष्मण को मिथिला लेके गए जहाँ सीता का स्वयंवर हो रहा था अगर राम और सीता मिलते ही नहीं तो रामायण ही नहीं होती सो hmm. so, इतना इम्पोर्टेंट उनका रोल था एंड दैट इज वाई पिक द विश्वामित्र क्योंकि राम जी की स्टोरी सबको पता है और विश्वामित्र की नहीं पता और विश्वामित्र की स्टोरी रिसर्च करते हुए मुझे रियलाइजेशन हुआ कि उनका जो जन्म हुआ था एक स्पेसिफिक वरदान के कारण हुआ था और उस वरदान के दो पार्ट थे और दूसरा पार्ट जो था दैट वॉज परशुराम ऑफ पीपल डोंट नो विश्वमित्र और परशुराम आर रिलेटेड, दे की बहन जो थी सत्यवती उनका बेटा उनका जो हस्बैंड थे रुचिक वो रुचिक ऋषि hmm. थे hmm. उन उन्होंने एक पोशन बनाया एक मैजिकल uh, uh, पोशन बनाया जो उन्होंने दो हिस्सों में बांटा एक उन्होंने अपनी वाइफ को दिया और एक अपनी सास को दिया hmm. एयर के लिए क्योंकि जो राजा थे आ, सत्यवती के पिता उन गाधी उनके उनका और उनके कोई संतान नहीं थी तो बेटी की उनकी शादी हो गई ऋषि से तो अब सिंहासन पे कौन बैठेगा तो उन्होंने एक पोशन बना के आधा आधा बांट दिया और ये दोनों लेडीज़ ने एक्सचेंज कर लिया अपना अपना पोशन फॉर सम रीज़न ओके सो एक्सचेंज करने के कारण उन्हें ये पता नहीं था कि रुचिक ने दोनों पोशंस में अलग अलग क्वालिटीज़ का के कैरेक्टराइज कैरेक्टर्स uh, डाले हैं तो जो उनके अपनी बीवी को जो मिलना था अपनी पत्नी को जो मिलना था पोषण उसमें गुण थे ब्राह्मण वाले क्योंकि उस बच्चे ने जंगल में रहना था आश्रम में रहना था और उसको वेद पढ़ने थे वेद पुराण पढ़ने थे जो रानी के लिए उन्होंने बनाया था पोषण उसमें क्षत्रिय के गुण थे अब क्योंकि दोनों लेडीज़ ने एक्सचेंज कर लिया पोषण वो गुण भी एक्सचेंज हो गए hmm. तो उस एक पोषण से जन्म हुआ विश्वामित्र का जो क्षत्रिय तो पैदा हुए पर उनमें ब्राह्मण वाले गुण थे hmm. इसीलिए वो आगे चल के ब्रह्म ऋषि बने hmm. और दूसरे पोषण से पैदा हुए परशुराम जो ब्राह्मण पैदा हुए पर उनमें क्षत्रिय गुण थे इसीलिए hmm. वो आगे जाके वॉयेंट बने सो hmm. so, वो दोनों स्टोरीज रिलेटेड थी तो विश्वामित्र करने के बाद मुझे ये पता था कि अगली बुक मुझे ये दूसरे पात्र के बारे में ही लिखनी पड़ेगी क्योंकि इट वाज इनकम्प्लीट अदरवाइज